हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फास्ट। अगर हमने पानी नहीं पिया तो क्या होगा? रुकिए रुकिए, ये मत कहना कि हम मर जाएंगे। बेशक हम मर जाएंगे, पर मरने से पहले क्या होगा ये आज इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। एक एवरेज इंसान बिना खाना खाए एक हफ्ता जिंदा रह सकता है, पर वही इंसान मुश्किल से 5 दिन बिना पानी के जिंदा रह सकता है। ये सब कुछ 4 लेवल में होता है। लेवल 1, जब आपके शरीर में 1% पानी की कमी होगी तब आपको प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, पर आपने पानी नहीं पिया तो आएगा लेवल 2। जब आपके शरीर में 5% पानी की कमी होगी तब आपके शरीर का नर्वस सिस्टम के स्टेमिना में कमी आने लगेगी। इसका मतलब यह है कि आप थकान और ड्राइनेस महसूस करोगे। फिर भी आपने पानी नहीं पिया तो आएगा लेवल 3। जब आपके शरीर में 10% पानी की कमी होगी तब आपको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा और आप बेहोश हो जाओगे। फिर भी आपने पानी नहीं पिया तो आएगा लास्ट लेवल, यानी लेवल 4। जब आपके शरीर में 20% पानी की कमी होगी तब आप मौत के कगार पे होगे। इसलिए जब भी आपको प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए। वैसे हमारे शरीर में पानी की क्या अहमियत है? हम सबके शरीर का 2/3 हिस्सा पानी या लिक्विड मैटर से बना होता है। ब्लड, जिसे हम ह्यूमन बॉडी की लाइफलाइन कहते हैं, उसमें भी 83% पानी ही होता है। ब्लड हमारे शरीर के हर पार्ट तक विटामिन, मिनरल्स, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा जैसी चीजों को पहुंचाने का काम करता है। नंबर 1 भी हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लिक्विड मैटर होता है, जो कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए मदद करता है। मान लीजिए हमारे शरीर में पानी की कमी होने पर ये सारे वायरस सस्पेंशन शरीर से बाहर ही नहीं जाएंगे। इससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, हमारी बॉडी के वीक पार्ट जैसे कि आंखें, मुंह, डाइजेशन सिस्टम, इनको भी पानी की बहुत ही जरूरत होती है। पर पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर डाइजेशन सिस्टम पर होता है, क्योंकि खाना पचाने के लिए सलाइवा की जरूरत पड़ती है। सोच कर देखिए, अगर आपके मुंह में सलाइवा ना आए तो आपको खाना चबाने और निगलने में कितनी तकलीफ होगी। अगर हम आँखों की बात करें तो उनको भी पानी की जरूरत पड़ती है, ताकि वो गंदगी को बाहर निकाल सके। अब तक आपने बहुत बार सुना होगा कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, पर उसी के साथ पानी की भी जरूरत पड़ती है। जो हड्डियों के जॉइंट्स जैसे कि एड़ी और घुटना, इनमें नरमी रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पानी आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान संतुलन करने में मदद करता है। एक एवरेज बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए जब भी हम दोपहर के वक्त धूप में जाते हैं तो हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना निकलता है। बच्चे हो या बुजुर्ग, सबको जरूरत के अनुसार पानी पीना चाहिए, ताकि वह अच्छी जिंदगी जी सके। और हर एडल्ट आदमी को दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। पर एक बात का ध्यान रखें कि पानी साफ हो, और अगर पानी नल का है तो उसे हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पानी की एक बोतल लेकर जाए। बाहर के खुले पानी से पेट से जुड़ी समस्या आ सकती है, और अगर आप घूमने या किसी काम से बाहर आए हैं तो सील बंद पानी की बोतल ले सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें कि पानी की बोतल वही ले जिस पर ISI मार्क हो, क्योंकि ये शुद्धता की पहचान है। वैसे इसका फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। 2014 के जागो ग्राहक जागो के एक सर्वे के अनुसार सील बंद पानी की बोतल बेचने वाली कंपनियां ISI मार्क के काबिल नहीं है। इन कंपनियों के पानी की बोतलों में हाई TDS लेवल मिला है। वीडियो के लास्ट में बस इतना ही, जिस पर ISI मार्क हो वही पानी की बोतल लेना।